मेडिकल कॉलेज मेन सिटी से लगभग 8-9 किलोमीटर आगे दूर है। वैसे रायपुर से तो 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन पूरा रास्ता नहीं नापेंगे, हम जल्दी मेडिकल कॉलेज पहुंचने वाले हैं। चार गेट हैं जिसमें से कुछ गेट अभी बंद हैं, पर हॉस्पिटल वाले गेट ओपन हैं। एक साइड में कोविड पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है और बाकी लोगों के एंट्री के लिए ये गेट हैं। जल्दी हम लोग इस गेट के थ्रू एंटर करेंगे, क्योंकि अंदर से ही आप हॉस्पिटल से कॉलेज जा सकते हैं। मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग है, यहाँ पर MBBS स्टूडेंट्स की पढ़ाई होती है। और अगर आपका जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है तो आप यहीं पढ़ने वाले हो, आपकी क्लासेस यहीं पर लगेंगी, सारी थ्योरी क्लासेस और कुछ प्रैक्टिकल जो होंगे सब्जेक्ट के यहाँ पर होने वाले हैं। इसके बाद सामने आपको हॉस्टल दिख जाएगा, स्टाफ क्वार्टर, आगे हम जाके देखेंगे उसको। पहले आप कॉलेज कैंपस को देखिए, बहुत ही अच्छा शानदार बनाया गया है। और कॉलेज के जस्ट सामने से हॉस्पिटल का ये व्यू दिखाई देता है, हालांकि बीच में ग्रिल लगा हुआ है, बट आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स कॉलेज से सीधे हॉस्पिटल में अपने पोस्टिंग के लिए जा सकें। ये क्लियरली अब हम इसको अंदर भी जाके देखेंगे। बिफोर दैट हम कॉलेज का साइड व्यू देख लेते हैं। साइड से इस तरीके से दिखता है, काफ़ी लश ग्रीन कैंपस, अच्छी ग्रीनरी है। वैसे पूरे जगदलपुर में बहुत अच्छी ग्रीनरी है, हरियाली है। आगे हम देखते हैं स्टाफ क्वार्टर है, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है और डॉक्टरों के लिए रेसिडेंस है। यहाँ पर जो भी डॉक्टर यहाँ पे हॉस्पिटल में वर्क करते हैं या फिर कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, फैकल्टीज़ हैं, उन सब के रहने के लिए सारा कुछ एक कैंपस के अंदर ही डेवलप किया गया है। कहने का मतलब कि हॉस्पिटल, कॉलेज बिल्डिंग, फैकल्टीज़ के लिए रेसिडेंट, स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल, ये सारा कुछ पूरे कैंपस के अंदर डेवलप किया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज्ड, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन आपको दिखाई भी दे रहा होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छे तरीके से बनाया गया है। साफ़ सुथरा हो, चारों तरफ हरियाली हो, स्पेसियस हो, दैट मीन्स कि ओवर क्राउडेड ना हो, तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, हालांकि हम लोग बहुत सुबह आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए ये रश कम है, भीड़ कम है, बहुत अर्ली मॉर्निंग है। मेरे बहुत से स्टूडेंट मुझसे मिलना चाहते थे, उनको मैंने इतनी अर्ली मॉर्निंग मुझे आना हुआ तो मैं किसी को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। और मैंने कहा कि बाकी जो लोग जगदलपुर मेडिकल कॉलेज देखना चाहते हैं उनके लिए छोटा सा ब्लॉग बना सकूं, ताकि वो देख सकें कि ये कैंपस कैसा है, कॉलेज बिल्डिंग कैसा है, हॉस्पिटल कैसा है।
मुझे कुछ कैश भी निकालना है चाय पीने के लिए, तो चलो सामने एटीएम भी दिख रहा है, यहाँ जाकर कुछ कैश निकाल लेता हूँ। पैसा नहीं निकल रहा है, शायद इस एटीएम में पैसे नहीं हैं या फिर हो सकते हैं मेरे अकाउंट में बैलेंस। और ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पे एनुअल फंक्शन वगैरह या कोई भी प्रोग्राम जो कॉलेज के होते हैं वो सारा होता है। ये मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग के जस्ट बाजू में है, बिल्कुल पास में है, और कॉलेज के सारे फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ सामने आपको हॉस्पिटल दिखाई दे रहे हैं एंड साइड में जस्ट आपको पार्किंग है। ये उस तरफ से हॉस्पिटल के लिए पार्किंग है और इस तरफ से कॉलेज के लिए पार्किंग है, तो मल्टीपल यूज़ हो जाते हैं इसके। और इस तरीके से हम बाहर निकलते हैं, हॉस्पिटल गेट जहाँ से हम एंटर किए थे उसी गेट से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तब तक आप हॉस्पिटल का साइड भी और देख लीजिए। ये मेडिकल कॉलेज के बाहर का व्यू है, काफ़ी दूर तक एक बहुत ही बड़ा कैंपस बना हुआ है। इस कैंपस के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, लाइक कॉलेज, हॉस्पिटल, हॉस्टल, रेसिडेंट, एवरीथिंग। तो हमें ज़रूर बताइए कि आपको मेडिकल कॉलेज जगदलपुर का कैंपस कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में आप हमें ये भी बताइए कि और कौन से मेडिकल कॉलेज के बारे में आप देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।